हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइमरी की के बारे में कि क्या होता है प्राइमरी की और क्यों हम लोग सेट करते हैं प्राइमरी की हम लोग के टेबल में। तो ये समझने के लिए चलिए सबसे पहले एक टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटा सा एक स्निपेट लिख के रखा है, क्रिएट टेबल डॉग्स, डॉग नेम वेर केयर 50 कैरेक्टर्स, डॉग एज INT। तो इसको पहले एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद इस टेबल को देखने के लिए DESC उसके बाद टेबल का नाम दे दीजिए डॉग्स। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा टेबल नीचे डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ फील्ड में हम लोग के फील्ड नेम्स दिख रहे हैं, डॉग एज एंड डॉग नेम, टाइप में वेर केयर INT, नल यस यस, डिफॉल्ट नल नल। तो ये सब नल और डिफॉल्ट क्या होता है गाइज, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आपको अगर वो जानना है तो आप आई बटन में चेक करके वो वीडियोज देख सकते हो। और एक फील्ड है यहाँ पे देखिए की, और उसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब हम लोग का की वाला खाली है, कोई भी फील्ड में हम लोग का की सेट नहीं है। तो जब हम लोग प्राइमरी की सेट करेंगे एक टेबल बनाने के टाइम तो वो यहाँ की के अंडर में डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब ये वाले टेबल में हम लोग का प्राइमरी की सेट नहीं है। ठीक है, ये टेबल हम लोग का बिना प्राइमरी की वाला था। तो चलिए सबसे पहले इस टेबल में डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। तो इंसर्ट इनटू डॉग्स, उसके बाद हम लोग का डॉग नेम है एंड डॉग एज है। तो यहाँ देखिए इंसर्ट इनटू डॉग्स, देन दो फील्ड डॉग एज, डॉग नेम एंड डॉग एज, मैं वैल्यू फिल कर रहा हूँ टिम एंड 5। ठीक है, इसको रन करते उसके बाद देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉग्स। तो यहाँ देखिए हम लोग को दिख जा रहा है। चलिए और दो तीन एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज करके देता हूँ टिमी, एज को कर देता हूँ 7। दो तीन और एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, और एक नाम मैं दे दे रहा हूँ जैक, एज है 4। सॉरी गाइस, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा। ओके, यहाँ से भी एक कॉमा होगा। हाँ ठीक है, तो देखिए मैं फिर से 3 डेटा एंट्री कर रहा हूँ, टिमी और जैक 4 और जैक 4। यहाँ पे दो सेम एंट्री है। ठीक है, सेम एंट्री देखने में लग रहा है गाइस, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये एक डिफरेंट डॉग हो सकता है जिसका एज 4 है, और ये भी एक डिफरेंट डॉग हो सकता है जिसका एज 4 है। मतलब दोनों अलग ब्रीड के डॉग्स हो सकते हैं लेकिन नाम और एज सेम है दोनों का। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉग्स। तो यहाँ पे देखिए आप टेबल में दिख रहा है हमें टिम 5, टिमी 7, जैक 4, वंस अगेन जैक 4। मतलब हम लोग का यहाँ पे हम लोग सेम डॉग नेम विद द सेम एज का हम लोग जितना भी एंट्रीज करना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी तो मैंने दो एंट्री किया, सोचिए 5 डॉग्स है जिसका नाम जैक ही है और एज भी 4 है, तो हम लोग वो एंट्री इसमें कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं है, हम लोग एंट्री तो कर दे रहे इस टेबल में, लेकिन अगर मैं आपको इन फ्यूचर कहूँगा कि मुझे इसमें से, सोचिए ये डॉग्स जो है ना इसके अंदर अलग अलग ब्रीड्स के हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर कहता हूँ कि मुझे उसमें से जो काला वाला, मतलब काला वाला कुछ नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, मैं कहूँगा कि मुझे भाई जैक नाम का जो डॉग है उसको निकाल के लाके थोड़ा ले आओ ना मेरे पास। तो आप जब टेबल के अंदर घुसोगे आपको 5 या 2 जितना भी जैक नाम का डॉग है सब दिख रहा है एक साथ, तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई मैं कौन सा डॉग मांग रहा हूँ, कौन सा जैक मांग रहा हूँ। वहाँ पे आप जाके देखोगे कि 5 नाम का जैक बैठा हुआ है, तो आप तो फिर सोचोगे कि मैं कौन सा मांग रहा हूँ, है ना। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सोचिए एक और फील्ड होता, उस फील्ड में हर एक डॉग को एक एक अपना ID मिला हुआ रहता। ठीक है, गले में टोकन होता है ना, वैसे गले में वो लोग का ID लटका हुआ होता। एक सबसे पहले वाले डॉग का जो एंट्री हुआ उसका ID होता 1, दूसरे वाले का ID होता 2, तो ये वाले जैक का ID होता 3 और लास्ट वाले जैक का ID होता 4। फिर मैं आपको आराम से कहता कि भाई जाओ अंदर टेबल के और जाके मुझे जिसका ID 4 है, जो डॉग का ID 4 है उसे ला के दो। तो फिर आप मुझे आराम से जाके ये लास्ट वाला जैक ला के दे देते, फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते कि लास्ट वाला जैक को लाना है कि थर्ड वाले जैक को लाना है। तो ऐसा हमें टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा फील्ड हमें टेबल क्रिएट करते टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्राइमरी की हम लोग सेट करेंगे वो टेबल क्रिएशन के टाइम ही होगा। तो चलिए एक वैसा टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्रिएट
टेबल डॉग्स टू, और यहां पे अब हम लोग एक नया फील्ड का यूज करेंगे जिसका नाम होगा डॉग आईडी। ओके, आईडी मींस नंबर्स में होगा 1, 2, 3, तो हम लोग इसका टाइप यूज करेंगे आईएनटी। और हर एक डॉग को कुछ स्पेसिफिक आईडी मिलना ही चाहिए, कोई भी फील्ड खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यूज करेंगे नॉट नल। उसके बाद डॉग नेम वेयर कैर 50 कैरेक्टर्स, देन डॉग एज आंटी। अब और एक फोर्थ हम लोग फील्ड, मतलब फील्ड नहीं होगा ये, हम लोग अभी प्राइमरी की सेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लिखना होगा प्राइमरी की, फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपना डॉग आईडी। ठीक है, हम लोगों ने एक फील्ड लिया था यहाँ पे डॉग आईडी। अब मैं ये वाले लाइन में आके कह रहा हूँ कि मुझे प्राइमरी की सेट करना है और मेरे डॉग आईडी को बना दो प्राइमरी की, तो इसलिए हम लोगों ने डॉग आईडी यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको रन करूँगा, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। तो ठीक है, अभी इसको रन करते, रन करने के बाद अभी DESC डॉग्स टू करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी देखिए हम लोग का नया एक टेबल दिख रहा है छोटा सा, और उसमें एक नया फील्ड दिख रहा है हम लोग को डॉग आईडी, जिसमें की भी हम लोग का प्राइमरी सेट हो गया। यहाँ की के अंडर में हम लोग को अब दिख रहा है कि PRI लिखा है, मतलब ये डॉग आईडी वाला जो हम लोग का फील्ड है ये प्राइमरी की सेट है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं इसमें कि किस टाइप का चेंजेस हम लोग फेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंसर्ट ऑपरेशन होगा, ठीक है, इंसर्ट इनटू डॉग्स टू, अब यहाँ पे जाएगा डॉग आईडी, ठीक है, यहाँ पे चलिए कुछ और नाम ले लेते हैं, रोडी 87, जैक्सन एज 5, दो ही एंट्री करता हूँ फिलहाल, ठीक है। और हमें और एक फील्ड लेना है गाइस, देखिए हम लोग का यहाँ पे डॉग आईडी भी है, तो हमें आईडी भी यहाँ पे लेना है। तो मैं इसका आईडी दे देता हूँ 1, इसका आईडी मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते, चलिए अभी टेबल के अंदर देख लेते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दो डॉग्स का एंट्री दिख रहा है, ठीक है, एक डॉग आईडी नेम रूडी एज 7, आईडी 2 नेम जैक्सन एज 5, ठीक है। चलिए अभी मजा आने वाला है, ठीक, अभी देखिए क्या होगा। अभी मैं और एक एंट्री करता हूँ यहाँ पे, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ जैक्सन को, या कॉमा देके यहाँ पे मैं फिर से सेम नेम एंट्री कर रहा हूँ जैक्सन, सेम एज रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आईडी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आईडी इसका चेंज कर दिया, और इन दोनों को हटा देता हूँ गाइज, अभी तो इन दोनों का काम नहीं है, तो फिर से डुप्लीकेट एंट्री कंसिडर कर लेगा वो, तो इसको हटा के, हाँ अभी ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉग्स टू, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सेम नेम का दो डॉग है, जैक्सन एच 5, फिर से जैक्सन एच 5, बट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट आईडी है, आईडी 2 है, इसका आईडी 3 है, तो मैं आपको आराम से कह सकता हूँ कि मुझे डॉग आईडी जिसका 3 है वो वाला डॉग ही लाके दो, तो फिर जाके आप ये वाला जैक्सन मुझे लाके दोगे। लेकिन अभी डुप्लीकेट एंट्री कब हो सकता है, तो अगर मैं अब और एक एंट्री कर रहा हूँ डॉग का, ठीक है, अब मैं नाम चेंज करके इसका नाम कर देता हूँ रिक, ठीक है, इसका नाम है रिक, और एक डॉग का एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, रिक, लेकिन मैं यहाँ पे आईडी सेम रखने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी 3 का ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है, अब मैं डॉगी नया एंट्री कर रहा हूँ बट आईडी अगर सेम दे रहा हूँ तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं क्रॉस हो चुका है और यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। आपको अगर एरर देखना है कौन सा वार्निंग आ रहा है, तो आप शो
वार्निंग्स लिखिएगा तो सेम वार्निंग डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है डुप्लीकेट एंट्री 3 फॉर की डॉग्स टू प्राइमरी, मतलब हम लोग का डुप्लीकेट एंट्री हो रहा था गाइस, ठीक है। जो हम लोग का 3 है डॉग आईडी वो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, इसीलिए अब हम वो एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए कि हम लोग को अगर सिलेक्ट, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डॉग्स टू, ठीक है। अभी हम लोगों ने एंट्री कर रहा था आईडी 3 के साथ, तो हमें मिल गया वार्निंग क्योंकि ऑलरेडी आईडी 3 यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। तो सोचिए डेटाबेस बहुत ह्यूज डेटाबेस है और आप डेली इसमें एंट्री करते हो, तो आपको याद रखना होगा कि लास्ट मेरा एंट्री कौन से आईडी का था। सोचिए आपने आज लास्ट एंट्री किया आईडी 120, तो फिर जब आप कल एंट्री करने आओगे तो आपको याद होना चाहिए कि लास्ट एंट्री मेरा 120 तक कंप्लीट हो चुका था, आज मैं जो नया एंट्री करने वाला हूँ वो 121 होना चाहिए। तो आपको हमेशा याद करना होगा, और गाइज ऐसे काम नहीं होता है, ठीक है। आप कब तक याद रखोगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसे एप्लीकेशन बिल्ड नहीं होता है। इसीलिए हम लोग और एक कीवर्ड का यूज़ करेंगे अपना टेबल क्रिएट करने टाइम, ताकि हमें अपना आईडी मैन्युअली टाइप इन ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक जनरेट करे आईडी अपने आप। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। चलिए थोड़ा बैक स्पेस मतलब पीछे आके देखते हैं, क्रिएट टेबल वाला फंक्शन अगर मिल जाएगा तो सही रहेगा। ओके फाइन, इसी से काम चल जाएगा। क्रिएट टेबल, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, क्रिएट टेबल डॉग्स, तो यहाँ पे अभी हम लोग का होगा डॉग्स थ्री। अब हम लोग का था डॉग आईडी, और क्या था, डॉग आईडी था आईएनटी था, नॉट नल था ये ना। अब नीचे था प्राइमरी की सेट किया था हम लोगों ने इसको, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमें यहाँ कॉमा देना होगा। प्राइमरी की हम लोगों ने सेट किया था डॉग आईडी को, तो इसका भी डॉग आईडी को ही प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने कहा कि अपना आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए और हर एक आईडी डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम लोग आईडी फील्ड के सामने साइड में और एक कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, आपको आईडी देने का ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आईडी लेगा और इंक्रीमेंट करेगा। सोचिए इसने एक आईडी आज लिया 5, तो फिर जब नेक्स्ट एंट्री होगा ये खुद से आईडी ले लेगा 6, हर बार जब वो एंट्री करेगा तो एक इंक्रीमेंट करके आईडी ले लेगा। तो अभी ये वाला टेबल को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, अभी DESC करके चेक कर लेते हैं। DESC Dogs 3, तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा और एक फील्ड आ चुका है एक्स्ट्रा बोल के, जिसके अंदर हम लोग को ऑटो इंक्रीमेंट दिख जा रहा है। अभी हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन अगर करेंगे, इंसर्ट इनटू Dogs 3, अभी हम लोग को यहाँ पे आईडी वाले फील्ड में एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डॉग आईडी को हटा देंगे। अभी हम लोग सिर्फ नाम और एज इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं रिक को, अभी इसको कॉपी कर लेते हैं और एक यहाँ पे एंट्री करते हैं, इसका नाम दे देते हैं रॉकी, इसका एज रहेगा 5, और एक सेम एंट्री करते हैं, चलिए रॉकी को दो बार एंट्री करते हैं, ठीक है, रॉकी का 5। तो हम लोग ये डेटा एंट्री कर रहे हैं डॉग्स 3 टेबल में, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंट्री कर दिया मैंने, और अभी चलिए चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डॉग्स 3। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आईडी फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका है। सबसे पहला एंट्री हम लोग का रिक का आईडी है 1, दूसरा डॉगी का रॉकी का आईडी है 2, और फिर से नाम है रॉकी, एज भी है 5, लेकिन आईडी खुद से जनरेट हुआ है, यूनिक आईडी जनरेट हुआ है वो है 3। तो गाइस ऐसे हम लोग सेट करते हैं प्राइमरी की कोई भी अपना टेबल में, ताकि उसमें एक फील्ड यूनिक रहे जिससे आप कोई पर्टिकुलर एक रो को आइडेंटिफाई कर पाओ। और फिर हम लोग उस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट भी करते थे, ताकि वो आईडी को हमें हर बार मैन्युअली ना इंक्रीमेंट करना पड़े, ये खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होते रहे। तो आई होप गाइस आप लोग को ये लेक्चर से समझ में आया कि कैसे हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा,
अगर आपको अच्छा लगा है तो, और जो अभी मेरे चैनल में नया है गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच माई ओल्ड सब्सक्राइबर्स, यू गाइज आर द बेस्ट, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।